आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय महानता के लक्षण। महान किसे कहते हैं? हु इज द ग्रेट पर्सन वी आर टू डिफाइन एंड व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट पर्सन्स। क्या धनी व्यक्ति को ग्रेट करना कहना चाहिए? क्या सूटेड बूटेड व्यक्ति को ग्रेट कहना चाहिए? क्या किसी के पास में बहुत बड़ा बंगला है उसको महान कहना चाहिए? क्या कोई बड़ा मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, उसको ग्रेट कहना चाहिए? तो ग्रेट हम किसको कहें, उसके लक्षणों का पता लगाना है और लक्षणों को प्राप्त करके उसके अनुरूप लक्षण हमारे भीतर पैदा करने हैं। अगर हमको कोई चीज़ की जानकारी है तो हम उस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। पहले जानकारी होना जरूरी है। एक त्रिवेणी है कि हे, ये और उपादे, यानी कि ये का मतलब जानना। इस दुनिया में जितनी अच्छाई बुराई जो भी चीजें, सारा जानना ये कहलाता है। और उसके बाद में विवेक की एप्लीकेशन करके कि ये तो मेरे को ग्रहण करने योग्य है, यानी ये गुण है, ये अच्छी चीजें हैं, अच्छाई इसको ग्रहण करो, और ये गलत चीजें हैं, बुराई वाली है, इसको हटाओ। उसको कहते हैं हेय। हे का मतलब छोड़ने योग्य, उपादे का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। तो हमें जीवन के अंदर अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना और बुरी बुरी चीजों को छोड़ना, यानी कि गुलाब के फूल के साथ में कांटे भी होते हैं, गुलाब के फूल भी होते हैं, तो उन जो है गुलाब के जो फूलों को तो चुनते रहो और कांटों को हटाते रहो। यही हमें महानता के लक्षण जानने हैं कि जिसके अंदर कांटे ही कांटे हो वह व्यक्ति महान नहीं है, फूल ही फूल हो वह व्यक्ति महान है, यानी जो गुणों का पुंज है वो महान है। देखिए, महानता का सबसे बड़ा लक्षण है वो विनय का गुण है। विनय अपने आप में समस्त गुणों की खान है। जो व्यक्ति हम्बल है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर दूसरे के दुख के प्रति करुणा है, दया है, वह और हम्बल का अर्थ है उसमें अहंकार शून्यता है, वो सबके अंदर आत्मतुलावत देखता है, यानी जैसी अपनी आत्मा होती है वैसी दूसरे की आत्मा को समझता है, और वह जो है वह कार्य वही करता है, दूसरों के साथ वही करता है जो खुद को अच्छा लगता है। इसको कहते हैं आत्मतुला का सिद्धांत, कि समस्त जीवित प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। ये जो है सबसे बड़े विनय का गुण है, और इस गुण को अगर व्यक्ति जीवन में धारण कर लेता है तो वह व्यक्ति महान होता है। तो महानता का एक लक्षण हो गया विनय। महानता का
जो दूसरा लक्षण है वह है परोपकार। यानी कि तीन तरह की चेतना होती है हमारी, जो भीतर विराजमान चेतना है। चेतना तो एक ही है, मूल स्वरूप में तो वह शुद्ध आत्मा है जो कि मोक्ष में जाने के लायक है और वो मोक्ष स्वरूप ही है। उसको हम कहते हैं परमात्मा, लेकिन उसको भी हमने पाया नहीं है। उसको पाने के लिए हम कौन से नंबर की चेतना पर है वो खुद को आपको अंकन करना होता है। तो मैं उसका तराजू आपको बताता हूँ। एक तो होती है बहिरात्मा, जिसको कहते हैं स्वार्थ की चेतना, सेल्फिश कॉन्शियसनेस। तो वह व्यक्ति क्या है, केवल अपना स्वार्थ देखता है। देखिए, स्वार्थ बुरा नहीं है। आपके शरीर है, परिवार है, घर है, माता पिता है, अतिथि है, समाज है, देश है, किसी को देना पड़ता है, सहयोग करना पड़ता है। तो बिना स्वार्थ के, बिना धन के आप कैसे करोगे? स्वार्थ बुरा नहीं है, स्वार्थ कभी भी बुरा नहीं है। व्यक्ति को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए स्वार्थी होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जावे तब तक स्वार्थ करना, धंधा करना, बिजनेस करना, कमाई करना, ये एक गृहस्थी के लिए जायज है, करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो कायर है, वह अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा है। तो इसीलिए एक सज्जन व्यक्ति ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुन भूखा जाए, कि हे ईश्वर मुझे इतना देना कि मैं और मेरा परिवार आराम से भरण पोषण कर सकें, तथा साथ साथ के अंदर जो अतिथि देवो भव है, कोई भी साधु सन्यासी या गेस्ट आ जावे तो वो घर से भूखा नहीं जावे। यानी मेरे माता है, पिता है, अतिथि है, समाज है, देश है, राष्ट्र है, तो किसी को मदद करनी पड़ जावे तो मैं मदद में उसको मुंह का उत्तर नहीं देके हाथ का उत्तर दूं। देखिए, हाथ का उत्तर क्या होता है, मुंह का उत्तर क्या होता है, एक गृहस्थी को जानना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति ने, किसी जो बेचारे भूखे ने आपको कहा कि मुझे रोटी दो, खाना खिलाओ, तो आपने कह दिया कि नहीं है, तो ये तो हो गया मुंह का उत्तर। और हाथ का उत्तर ये है कि मान लीजिए पूरा भोजन आप उसको नहीं करा सकते हैं, तो आपने उसको बेचारे को रोटी दे दी, सब्जी दे दी, और भी कोई चीज़ खाने योग्य आपने दे दी, उसका थोड़ा तो उसकी भूख मिटी बेचारे को, तो ये हाथ का उत्तर होता है। तो इसीलिए महानता का लक्षण क्या होता है कि तीन तरह की चेतना को समझ जाएंगे तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि व्यक्ति को जो है वो क्या कार्य और कौन सी चेतना वाला मान होता है। तो ये तो हमने स्वार्थ की चेतना करी, पर स्वार्थ की चेतना में क्या होता है कि व्यक्ति की अपनी नीड तो पूरी हो गई लेकिन फिर भी वो ग्रीड करता है। यानी जो व्यक्ति ग्रीड के खाते में चला जाता है, उसको मकान एक चाहिए, 10 बना दिया, उसको मोबाइल एक चाहिए, 10 ले लिया, कपड़े की 10 ड्रेस चाहिए, 100-100 ड्रेस है, 100-100 उसके जो जूते हैं और 50-50 गाड़ियां हैं, ये ग्रीड है। इस ग्रीड का कोई अंत नहीं होता है और आखिर व्यक्ति को सुखी होने के लिए संतोष करना पड़ता। जो संतोषी व्यक्ति होता है वो नीड में सेटिस्फाइड हो जाता है, और उसके लिए वो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। यानी जो संतोषी व्यक्ति हो जाता है और फिर उसको पुण्योदय से एक्सेस आ रहा है। आपका देखिए भाग्योदय पुण्योदय है तो लक्ष्मी आप पे बरसेगी। आपके आवश्यकता 5 लाख की है और 50 करोड़ आ रहे हैं, तो अब क्या करो? वही व्यक्ति तो क्या करेगा, अपनी तिजोरियां भरेगा, भरता रहेगा,
उसकी संतान गलत निकल गई, दुरुपयोग कर देगी, डाका डल जाएगा, गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जो है रेड पार्ट के ले जाए। रोज हम सुनते हैं उससे इतने करोड़ मिले, उसके ये हुआ वो हुआ, वैसा हो जाता। लेकिन सही देखिए, महान व्यक्ति कौन है? आपकी नीड पूरी होगी अच्छी तरह से, आपकी, आपके रिलेटिव, आपके बाल बच्चों की सब पूरी हो गई, तब वो क्या है कि पैसा चैरिटी में लगाता है। वह लूले लंगड़े अपाइज भूख बधिर अनाथ और विधवाएं, हमारे हिंदुस्तान में तो सेवा का भरपूर उपयोग है। मैं आपको एक बार का किस्सा बताता हूँ कि जैन लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ है समेत शिखर जी। समेत शिखर जी पे जब हम चढ़ने गए तो क्या है कि वहाँ पे जो कहना चाहिए मांगना और देना, ये दान पुण्य सब चलता है, तो वहाँ मांगने वालों की लाइन लगी रहती है। तो मैंने उसको एक बार, मेरे दिमाग में वैसी बात आ गई, व्यक्ति से पूछ बैठा, थोड़ा समझदार व्यक्ति था, ये इतने मांगने वाले लोग तो इकट्ठी हो रहे, बाबूजी बिहार में गरीबी बहुत है। और एक बात बड़ी रिमार्केबल उसने कही कि हम अगर मांगने वाले नहीं होंगे तो आप किसको डोनेशन दोगे, किसको चैरिटी दोगे, क्योंकि आपका साथ वाला तो चैरिटी लेगा नहीं, वो गरीब होगा वही लेगा। बड़ा रिमार्केबल जवाब आया उसका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका आप तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, उसको परोपकार कहते हैं, जगत कल्याण कहते हैं, उसको जय जगत कहा जाता है, वह उसका उपयोग उसके अंदर करेगा। यानी महानता का लक्षण ये आया कि उसमें परार्थ की चेतना होनी चाहिए। और जो व्यक्ति परमार्थ की चेतना में, जो हमने कहा कि वो आत्मा से परमात्मा बनने की बात है, वो परमार्थ की चेतना में चला जाता है, सही मायने के साधु संन्यासी होते हैं, जिनके लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई सहनशाह। जो सही मायने के साधु संन्यासी है, उन्होंने तो सब इच्छाओं को त्याग दिया, उनको तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो तो जो है फकीर हो गए। फिकर का फाका करे ताका नाम फकीर, वो फकीर, उनको कोई फिकर है ही नहीं है, वो तो मानवता के लिए काम करते हैं, मानवता की भलाई के लिए करते हैं, भगवान का वो स्मरण करते हैं और दूसरों को भी ईश्वर का स्मरण करने का जो है वो उपदेश देते हैं। मात्र वो ये जो है परमार्थ, परार्थ और परमार्थ की चेतना है, वो महानता के लक्षण माने जा सकते हैं। व्यक्ति रूप रंग से, टिप टॉप होने से, बड़ा बनने से, करोड़पति से मान नहीं होता, व्यक्ति जन्म से मान नहीं होता है, कर्म से मान होता है। तो वही कर्म की हम बात करते हैं कि वह व्यक्ति अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने रूप का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, वह किस तरीके से उपयोग करता है। देखिए आप बहुत बड़े अधिकारी हैं तो आप देखिए लोगों का भला कीजिए। ईश्वर ने आपको अधिकारी इसलिए बनाया कि रौब झाड़ने के लिए नहीं बनाया, और घूस खाकर के अपनी जेबें भरो, अपनी तिजोरियां भरो। आप बड़े अधिकारी तो अच्छी तनख्वाह मिलती है, उससे गुजारा चलता है, तो आप लोगों का भला करो। आपकी जो है कलम में ताकत है और आप सही ईमानदार व्यक्ति, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपने कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, आपने तो मात्र सेवा की दृष्टि से किसी किया। दिल खोल करके ऐसे लोगों को सेवा करनी चाहिए, ईश्वर उनको वह चांस देता है। बड़ा आईएएस ऑफिसर कहिए, मंत्री कहिए और मुख्यमंत्री कहिए, या जो है प्रधानमंत्री कहिए, राष्ट्रपति कहिए, कुछ भी कहिए, ये सेवा की उच्चतम स्थान होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये जो है पद का सदुपयोग हो गया, आपके कुछ होने का, करने का सदुपयोग हो गया, और ये महानता का लक्षण गिना जाता है। महानता के लक्षण बहुत है, हम धीरे धीरे आगे करके चलते हैं। तो ये महानता के लक्षण तो मैंने बाहरी लक्षण बनाए, हमारे
व्यवहार जगत के लक्षण बताए, लेकिन हमारे अध्यात्म विज्ञान में सनातन सत्य में केवल बाहर का जगत नहीं है, बाहर के जगत के साथ साथ में भीतर का जगत है। तो भीतर की जगत के अंदर अगर समय हुआ तो बाहर के जगत की महानता के और लक्षण लेंगे। पहले तो भीतरी जगत के महानता के लक्षण आपको बता देता हूँ कि हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित होता है। और ये दृष्टि विज्ञान है, यह तो केवल समझ को बदलने वाला है, सोच को, आपके दिमाग के विचारों को बदलने वाला होता है। तो कहने का अर्थ ये कि द्रव्य होता है वो बाहर दिखाई देता है, मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो भी आप सुन रहे हो तो एक तरीके से दिखाई दे रहा है, और जो शरीर से क्रिया करता हूँ मेरी धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे भीतर क्या चल रहा है, किसी व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, वह ज्ञानी पुरुष ही देख पाता है, वो मनोप्रयोग ज्ञानी ही देख पाता है, दूसरा नहीं देख पाता है। तो महान व्यक्ति वो है जो भीतर क्या चल रहा है। भीतर अगर उसके जो है निंदा चल रही है, घृणा चल रही है, नकारात्मक भाव चल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ चल रही है, तो उस व्यक्ति को महान नहीं कह सकते हैं। महान उस व्यक्ति को कहेंगे कि भीतर सर्व कल्याण की बात चल रही है, मेरा भी कल्याण हो, समस्त जीवों का कल्याण हो, और जितना मेरे से बन पड़े मैं दूसरे का सहयोग करूं। पहले तो मेरा घर है, कभी भी भूल नहीं करें कि आप घर को तो सेकंड प्रायोरिटी दे दें, शरीर को सेकंड प्रायोरिटी दे दें और केवल लोगों के भले में चले जाएं, तो वह भी कोई सही समझ नहीं है। पहली ड्यूटी है आपकी स्वयं के स्वास्थ्य को मेंटेन रखना, परिवार की जो मेन जिम्मेवारी जिसको पैदा किया है वो प्रथम जिम्मेवारी है, वो पूर्ति होने के बाद। लेकिन किसी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति जो अच्छा भाव रखने में तो कोई टके लगते नहीं, कोई पैसे लगते नहीं है। ये भीतर का जगत है कि मेरा साथी आगे बढ़े, मेरा भाई आगे बढ़े, मेरे भाई जो है कंपटीशन में बैठ रहा है तो वो सक्सेस हो जावे, मेरे माता पिता है उनको चित समाधि पहुँचे, मेरे द्वारा कोई ऐसा व्यवहार माता पिता को ना हो जावे कि उनको दुख हो जावे, भाई को ऐसा मैं कुछ न बोल जाऊं कि उसको दुख हो जावे। तो भीतर जो है, देखिए जो भीतर चलता है वही तो बाहर आता है। व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह बोल जाता है कि भीतर क्या चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भीतर नकारात्मकता की जगह सकारात्मक रखें, विधायक भाव रखें, पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव को नहीं रख। जो व्यक्ति भीतर नेगेटिव, इसका मतलब बदले की भावना से काम करता है, जो माफ़ करता है कि भाई चलो किसी ने गाली दे दी, माफ़ कर दो, उसकी गाली को एक्सेप्ट मत करो, वापस चली जाएगी, और सामने वाले ने कोई छोटी मोटी हल्की बात कर ली, तिरस्कार कर दिया, धोखा दे दिया, तो चलो धोखे को जो खाना नहीं चाहिए उसको रिक्यूब करने की कोशिश करनी चाहिए, पर जो जिस व्यक्ति ने दिया है धोखा है उसको जो है आपको दोषी नहीं मानना। देखिए जो भीतर सबसे बड़ा सिद्धांत यह है सनातन सत्य का, आर्ट ऑफ डिवीजन का सिद्धांत, आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई दोषी होता ही नहीं। ये जो सृष्टि बनी है, भगवान ने बनाई कहो या हमारा सनातन सत्य कहता है ये छह द्रव्यों की सृष्टि है, इसके अंदर दोष है ही नहीं, ये तो एब्सोल्यूट प्योर है, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है और कुदरत करने वाली है। तो कुदरत कोई इम्प्योर करती नहीं है, कुदरत तो साफ कहती है कि मेरी ड्यूटी है, मैं तो मेरी ड्यूटी पूरी करती हूँ। हर जीवित प्राणी जब मरता है वही मेरी ड्यूटी, जीता है तो मेरी ड्यूटी, और पेट में है तो मेरी ड्यूटी। मतलब जीवित प्राणी को
उसको सार संभाल माँ की तरह। देखिए माँ बाप की क्या ड्यूटी होती है सांसारिक जीवन में कि बच्चा जब तक पैरों पर अच्छी तरह से ब्याह शादी होके खड़ा नहीं हो जाते उसके पहले सब माँ बाप की ड्यूटी। अगर उसको मझदार में छोड़ देते हैं तो अपराधी हो जाएगा, उसको पूरी शिक्षा नहीं दिलाते हैं, उसको ढंग से शादी नहीं करते हैं तो गलत सलत कुछ लव मैरिज वगैरह कर लेगा, यानी उसको ऐसा चांस न देना ये माता पिता की जिम्मेवारी है। यानी कहने का मतलब कुदरत तो साफ कहती है कि मैं रत्ती भर भी अन्याय नहीं करती हूँ। इसीलिए एक कुदरत का नियम है कि हुआ सो न्याय। कुदरत 100% न्याय करती है, सुप्रीम कोर्ट है। आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने की छोटे मुंसिफ से लगा करके CJM कहिए, आपका हाई कोर्ट कहिए, कलेक्ट्रेट कहिए, आपका सेशन जज कहिए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुदरत कहती है मैं तो एग्जैक्टली वही करती हूँ जो वही मार्क्स देती हूँ, क्योंकि उसकी आंसर शीट मेरे पास है। जब मरते हैं तो हर जीवित प्राणी की आंसर शीट है कुदरत के पास ऑटोमेटिकली चली जाती है। जो ही हमारा श्वास निकला, आयुष्य खत्म हुआ, तो जो 3 घंटे की या कह लिए 80 साल की फिल्म है वो आंसर शीट के रूप में कहिए, फिल्म कहिए, और जो कहिए कि जो आपने स्क्रिप्ट कहिए वो कुदरत के पास तुरंत चली जाती है। देखिए जब कोई भी चीज घूमी होती तो गुमशुदा होती। ईमानदार व्यक्ति तो अपने घर में नहीं रखता है, वो तो पुलिस को हैंडओवर कर देते, लॉस्ट प्रॉपर्टी में वो चली जाती है। तो ये सारी चीजें कुदरत के पास चली जाती, तो कुदरत तो जो इतने जो है कहना चाहिए असंख्य अनंत जीवों का है तो वो तो हमेशा न्याय करती। तो कहने का अर्थ ये है आपके भीतर क्या चल, भीतर को ठीक करिए, करेक्शन दीजिए, तो आप महान व्यक्ति। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आप तो प्योरली जो है देवता पुरुष बन गए, हो ही नहीं सकता। इंसान है तो टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, वो गलती करता रहेगा, और जो गलती करके पुनरावृत्ति ना करे वह इंसान है, और गलती करे ही नहीं वो तो भगवान है। अभी हम भगवान बने नहीं हैं, बनने की लाइन में लगे हुए हैं, और गलती करता रहे जानबूझ के करता रहे तो फिर तो हैवान है, वो पशु है। अब किस कैटेगरी में आपको जाना, निर्णय आपका है। देखिए इंसान के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो ये जो आर्ट ऑफ द विजन है, सनातन सत्य है, उसमें एक विशेष बात यह है कि आर्ट ऑफ विजन का जो भाव पक्ष है, जो चेतन पक्ष है, उस पर कुदरत का कोई कानून लागू नहीं होता। आप बादशाह हो, आप राजा हो, आप अपने जो है ना फॉर्च्यून के मालिक हो, अब आप किस तरीके से उसका उपयोग करते हो यह आप पर निर्भर करता है। एक चाकू है तो आप जो है फ्रूट सब्जी काट सकते हो, उसी से किसी का पेट और गला भी काट सकते हो। ये तो अब आपको देखना है, और हर व्यक्ति को अपना अपना देखना है, और एज यू विल सो सो विल यू रीप। कुदरत का कानून साफ है कि तुम चाकू तुम्हारे हाथ में किसी का भला किया है उसके भले परिणाम अगले जन्म में मिलेंगे, किसी का बुरा किया है कत्ल किया तो वो भी परिणाम मिलेंगे। मैं तो संजोग वैसे के वैसे जुटा के तुम्हारे दे दूँ कि ड्यूटी है, मेरे को तो सब ध्यान पड़ता, मैं तो मेरी ड्यूटी करता हूँ, ना कोई पक्ष है ना कोई पात है। तो कहने का अर्थ क्या है कि महान कौन है, महान वो है जो सद चिंतन करता है, भीतर में अच्छा चिंतन चलता है, अच्छी बातें चलती है, पॉजिटिव चलती है वह महान है, और नेगेटिव चलती है वह व्यक्ति दुष्ट है, दुर्जन है। देखिए आपको सज्जन और दुर्जन की बात बताऊं कि जो नीम का पेड़ होता है उसको 100 घड़ों से सींच लो तो भी वह उसका कड़वापन नहीं जाता। नीम की पत्ती उपयोगी है, मैं उसको दुर्जन नहीं कहता हूँ, पर कड़वापन की दृष्टि से कहता हूँ। और एक आप देखिए कि जो चंदन है उसके ऊपर भुजंग
बड़े बड़े सर्प जो है उसकी सुगंध के कारण उसके ऊपर जो है वो जहर छोड़ते रहते हैं, लोट पोट होते हैं, लेकिन वही चंदन जब हम घिसते हैं तो सुगंध देता है, उसकी टीकी लगाता है वो ठंडक देता है, सुगंध देता है। अब इतने जो है वो कहना चाहिए अजगरों का जो है वो जहर ऊपर होकर के भी वो उसको ठीक कर देता, क्योंकि वो सज्जन है। सज्जन व्यक्ति सज्जनता करेगा, दुर्जन दुर्जनता करेगा। तो ये भीतर क्या चलता है, भीतर की मानता है। तो हमने आपको बाहर की मानता के लक्षण बताए, भीतर की मानता के लक्षण बताए, अब आप दोनों को जोड़ दीजिए। यानी कि भीतर पावरफुल है, भीतर में प्लानिंग होती है, वही बाहर आता है। कैसे कि आप देखिए, आपके पास में मोबाइल है, उसमें एक छोटा सा मेमोरी कार्ड है, 100 GB की मेमोरी है, एक यूनिवर्सिटी की पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी उसमें भर दी जाती है। लाइब्रेरी के लिए तो 100 फुट बाई 100 फुट का हॉल चाहिएगा, इतनी हजारों किताबें चाहिएगी वो छोटे से मेमोरी कार्ड। इनका मतलब भीतर का जगत पावरफुल है, बाहर का जगत है वो ग्रॉस है, वो एनर्जी वहीं से लेता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भीतर अच्छा सोचिए और बाहर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सौहार्द मिले, और हम एक अच्छे इंसान बनकर के परोपकार का कार्य करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित PhD स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।